हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल आई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाला मीडिया टेक का हीलियो P70 प्रोसेसर एंड क्रिन का 710 प्रोसेसर के बारे में। तो फ्रेंड, इन दोनों प्रोसेसर का इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे और बोलेंगे आपको कि कौन सा प्रोसेसर सबसे बेस्ट होने वाला है। तो फ्रेंड, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना एंड नहीं तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको एक कंपेरिजन आपको बताते हैं कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट होने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मीडिया टेक का हीलियो का P70 प्रोसेसर के बारे में। फ्रेंड, इस प्रोसेसर को 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी द्वारा इसे बनाया गया है। इसमें आपको 8 कोर मिलते हैं फ्रेंड, जो कि आपको 4 बड़े कोर मिलते हैं। इसमें आपको एक कोर स्टेट 73 पे ये रन करता है, जो कि आपको 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे से क्लॉक कराया गया है फ्रेंड। जिसमें 4 छोटे कोर मिलते हैं, इसमें आपको एक कॉर्टेक्स 53 के साथ जो इसमें रन करता है, इससे आपको 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पे से क्लॉक कराया गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहीं पर हम क्रिन 710 प्रोसेसर के बारे में बात कर लें। तो इस प्रोसेसर को 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे बनाया गया है, जिसमें आपको जो 4 बड़े कोर मिलेंगे, इसमें आपको एक कॉर्टेक्स 73 पे रन करता है, जिससे यहाँ पर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे से क्लॉक कराया गया है फ्रेंड। यहीं पे इसमें 4 छोटे कोर मिलते हैं, जिसमें आपको एक कॉर्टेक्स 53 पे रन करता है, इससे आपको 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पे इसे भी क्लॉक कराया गया है। तो फ्रेंड, आप फाइनली बात कर लेते हैं दोनों प्रोसेसर के GPU के बारे में। तो यहाँ पे GPU में काफ़ी डिफरेंस आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीडिया टेक हीलियो P70 के GPU के बारे में। इसमें आपको कौन सा GPU मिलेगा? इसमें आपको माली का G72 का MP4 GPU मिलेगा, जिससे आपको 800 मेगावाट पे इसे क्लॉक कराया गया है। तो ये काफ़ी पावरफुल GPU है, जिसमें आपको 800 मेगावाट पर क्लॉक कराया गया है। तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं क्रिन 710 के बारे में। इसमें आपको कौन सा GPU मिलेगा? तो इसमें आपको माली का 51 MP4 GPU मिलेगा, जिसे 650 मेगावाट पे इसे भी क्लॉक कराया गया है। तो यहाँ पे GPU की बात कर ले तो दोनों में काफ़ी डिफरेंट आ जाते हैं, जो कि माली का 51 एंड माली का 72 में। तो काफ़ी यहाँ पे GPU में फ़र्क आ जाते हैं, जो कि पावरफुल हो जाएंगे। यहाँ पे मीडिया टेक का हीलियो का P70 प्रोसेसर GPU के मामले में काफ़ी यहाँ पे पावरफुल हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, यहीं पे हम दोनों प्रोसेसर की रैम की बात करें कि इन दोनों प्रोसेसर में आपको कौन सी रैम मिलेगा। तो यहाँ पर जो रैम मिलेंगे LPDDRX4 के यहाँ पर रैम मिल जाएगा, दोनों में आपको सेम रैम मिलेंगे फ्रेंड्स। तो यहीं पे हम डिस्प्ले की बात कर लें कि मीडिया टेक का हीलियो के P70 प्रोसेसर में एंड यहाँ पे क्रिन का 710 प्रोसेसर में आपको कितने रेजोल्यूशन तक यहाँ पर वीडियो जो आपको सपोर्ट करेंगे एंड आपको डिस्प्ले की क्वालिटी क्या होगी। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर दोनों में आपको फुल HD+ वाली डिस्प्ले सपोर्ट करेगी। दोनों ही प्रोसेसर में आपको यहाँ पे फुल HD+ वाली डिस्प्ले मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, फाइनली मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मीडिया टेक का P60 प्रोसेसर, जो कि यहाँ पे कुछ पिछले कुछ महीने पहले लॉन्च किया गया था, जो कि रियलमी में आपको मिला था, यहीं पे अब जो आने वाला है, जो कि वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 स्मार्टफोन, जो कि रियलमी का फ़ोन है Realme U1, इसमें आपको मीडिया टेक के P70 का प्रोसेसर आएगा। तो जो मीडिया टेक वाले ने यहाँ पे दावा किया, जो P60 से P70 प्रोसेसर 13%, जो कि इसमें काफ़ी पावरफुल रहेगा एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। फ्रेंड, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों ही प्रोसेसर की कैमरे के बारे में, कौन सा प्रोसेसर कितने मेगापिक्सल तक कैमरों को सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीडिया टेक के P70 प्रोसेसर के बारे में। तो फिर सबसे पहले बताया कि सिंगल कैमरा जो इसमें सपोर्ट करेगा 32 मेगापिक्सल तक सपोर्ट कर लेगा। यहीं पर हम डुअल कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 24+60 मेगापिक्सल तक के कैमरों को यहाँ पर सपोर्ट करेगा फ्रेंड। यहीं पर हम बात कर लेते हैं क्रिन का 710 के बारे में, तो जो कि सिंगल कैमरा सपोर्ट करेगा 24 मेगापिक्सल तक इसमें सपोर्ट करेगा। वहीं पर हम डुअल कैमरा की बात करें तो 16+12 मेगापिक्सल का आपको डुअल कैमरा सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड, ये दोनों कुछ कंपेयर थे जो कि मीडिया टेक के P70 एंड क्रिन का 710 प्रोसेसर के बारे में। तो फ्रेंड, आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट होगा, किस प्राइस में? तो मैं अपना खुद का ओपिनियन शेयर करूं कि इन दोनों प्रोसेसर में सबसे बेस्ट कौन होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मीडिया टेक के P70 प्रोसेसर क्रिन 710 से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी पावरफुल GPU मिल जाते हैं एंड यहाँ पे काफ़ी पावरफुल यहाँ पे आपको कैमराज मिल जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंटेस यहाँ पे हो जाते हैं 710 से एंड यहाँ पे P70 से। तो फ्रेंड, बस इस छोटी सी वीडियो में आज आपको यही इन्फॉर्म करने वाला था कि दोनों प्रोसेसर में आपके लिए कौन बेस्ट प्रोसेसर होगा, किसका क्या डिटेल है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर दिया हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी कमेंट करना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल हो, कोई भी राय हो, तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट करना, मैं वहाँ पर आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।